बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टी टैलेंट्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अरुबा जही। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पोकन की 22 क्लास को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इससे पहले जितनी भी क्लासेज हुई है सारी बहुत इम्पोर्टेंट थी, लेकिन आज की जो क्लास है ना, इसको मैं सारी क्लासेज में सबसे ज़्यादा इसी क्लास को इम्पोर्टेंट समझती हूँ, क्योंकि इस क्लास में आज आप देखेंगे कि हम इंग्लिश तो बोलना सीखेंगे ही, क्योंकि हमारा कोर्स ही इंग्लिश बोलना। इसके अलावा हम इस्लाम की कुछ बातें देखेंगे, इसीलिए ये जो क्लास है मेरी सबसे फेवरेट क्लास है। आज इसमें हम देखेंगे डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स रिगार्डिंग प्रेयर्स, नमाजों के बारे में दो फ्रेंड्स के दरमियान ये मुकालमा है। तो हम देखेंगे कि कैसे ये दो दोस्त नमाज के बारे में एक दूसरे से मुकालमा कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं। तो यह है कि आप लोग अगर नमाज पढ़ते हैं तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते तो ज़रूर उनके साथ इस तरह का इन्वायरमेंट बनाएं ताकि वो लोग भी नमाज पढ़ें। और अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है, अब से अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपने रेगुलर अपनी नमाजें स्टार्ट करनी है। तो नमाजें पढ़ने में ज़्यादा कोई टाइम नहीं आपका वेस्ट होता। स्टार्ट करते हैं। सेम, ये एक लड़का है सेम, गुड मॉर्निंग वसीम, ये एक लड़का है सेम है जो अपने दोस्त को उसे ग्रीटिंग कर रहा है गुड मॉर्निंग। तो आपको पता है कि फिर गुड मॉर्निंग की टाइमिंग क्या है, तो गुड मॉर्निंग की टाइमिंग में ये मिले तो अपने दोस्त को कह रहा है वसीम गुड मॉर्निंग। तो अब आके वसीम रिप्लाई करता है गुड मॉर्निंग सेम, सुबह है सेम, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर का मतलब कहाँ होता है, गोइंग जाना, तुम कहाँ जा रहे हो। वसीम सेम से पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो अब सेम बताएगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। सेम, आई एम गोइंग टू मास्क, मास्क मस्जिद को बोलते हैं, टू ऑफर अदा करना माई प्रेयर्स, मैं अपनी नमाजें अदा करने, मैं अपनी नमाजें अदा करने के लिए मस्जिद जा रहा हूँ। सेम बता रहा है वसीम को कि मैं किधर जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। वो बता रहा है कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ और किस लिए जा रहा हूँ, अपनी नमाजें अदा करने जा रहा हूँ। इट इज मॉर्निंग प्रेयर टाइम, अब वो सामने ये बता रहा है कि ये जो सुबह की नमाज का वक्त है तो इसीलिए मैं सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद में जा रहा हूँ। व्हाट्स अबाउट यू, अब वो उससे क्वेश्चन कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं। पहले वसीम ने सेम से क्वेश्चन किया, अब सेम वैसा ही क्वेश्चन उससे, दोनों के मीनिंग ये किए। अब वो पूछ रहा है कि आप किधर जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो अब वसीम रिप्लाई करेगा, वसीम आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ टू गार्डन, बाग में फॉर अ मॉर्निंग वॉक, सुबह की जो चहलकदमी होती है वॉक होती है उसके लिए जा रहा हूँ। तो अब वसीम सेम को बता रहा है कि मैं गार्डन में जा रहा हूँ वॉक के लिए। तो अब सेम आगे से क्या कहता है, सेम डोंट यू ऑफर योर प्रेयर रेगुलरली, तो वो पूछ रहा है कि तुम अपनी प्रेयर्स नहीं अदा करते। अब जाहिर सी बात है, अब नमाज का टाइम है तो सेम जो जा रहा है वो नमाज पढ़ने जा रहा है मस्जिद में, और जो वसीम है वो गार्डन में वॉक के लिए जा रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर आपके साथ भी अगर आप नमाज पढ़ने जा रहे हो और कोई आपको दोस्त मिले और वो बोले कि मैं अभी नमाज का टाइम हो रहा है, तो वो कहे कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ, तो आप उसे पूछेंगे ना कि आप नमाज नहीं पढ़ते, डोंट यू ऑफर योर प्रेयर। अब वो जवाब देगा कि मैं पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता, I do sometimes but not regularly, मैं पढ़ता हूँ लेकिन मैं regularly नहीं पढ़ता हूँ, कभी कभार मैं पढ़ता हूँ। तो it's not a good thing कि आप जो है ना नमाज को कभी कभार पढ़ते हो, तो वक्त ज़रूरी है लेकिन नमाज उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगता है, फजर की नमाज कितनी रकात उसकी होती है, जोर की देख ले, असर की देख ले, मगर की ईशा की, तो पूरे दिन में आप ज्यादा भी टाइम लगा लेना 2 घंटे आपको नमाजों के लिए, तो 24 घंटे में 2 घंटे नमाजों के लिए देना कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये पढ़ना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वैसे भी तो हम और कितने फजूल को टाइम वेस्ट कर देते हैं। नमाज आप पढ़ोगे तो आपको सवाब होगा, उसमें आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसमें जो है ना आपको दिली सुकून भी होगा नमाज पढ़ने से, और ना ही नमाज पढ़ने में कोई ज्यादा टाइम लगता है। इट इज़ वेरी बैड, अब सेम वसीम को कह रहा है कि ये बहुत बुरी बात है, बैड मतलब बुरी, मेन मस्ट जरूरी, मस्ट का मतलब होता है जरूरी, ऑफर ही प्रेयर रेगुलरली, इंसान को अपनी नमाजें बाकायदगी से पढ़नी चाहिए। रेगुलरली का मतलब होता है बाकायदगी से, रेगुलरली बाकायदगी से,
यू नो मेन पॉइंट्स, रियल रियल हकीकी को बोलते हैं, रियल हकीकी पीस सुकून एंड कंफर्ट आराम ओनली सिर्फ इन प्रेयर्स, इन नमाजों में। तो जो इंसान है ना, वो हकीकी जो सुकून होता है, जो आराम होता है, वो सिर्फ नमाजों से ही हासिल कर सकता है। तो ये सच बात है कि जब आप नमाज पढ़ते हो तो आपके दिल में एक अजीब सी सुकून तारी हो जाता है। आप जब नमाज पढ़ते हो तो आपके दिल में सुकून आ जाता है। बेशक आपकी दुनियावी जिंदगी में बहुत सारी टेंशन मसाइल चल रहे होंगे, लेकिन जब आप नमाज पढ़ोगे ना तो आपको सुकून महसूस होगा। अगर आप लोग पढ़ते हैं नमाज तो आप लोगों को ये बखूबी पता होगा कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको कितना सुकून और आराम महसूस होता है। और अगर आप नमाज एक भी नमाज मिस कर देते हो, या टाइम पे नहीं पढ़ते हो, या फिर वो जब टाइम हुआ होता है थोड़े से आप बिजी होते हो, तो आपको कितनी उस बात की टेंशन स्टार्ट हो जाती है, नमाज नहीं पढ़ी, ये नहीं किया। तो नमाज जो है ना, आप जितनी भी मर्जी टेंशन में, जो मर्जी टेंशन हो, आप नमाज पढ़ोगे तो आपको बहुत सुकून महसूस होगा, आराम महसूस होगा। और साथ में आप नमाज के बाद जो भी दुआ मांगोगे, अगर आपकी कोई टेंशन है तो आप नमाज के बाद उसके लिए दुआ मांगोगे तो आपकी वो टेंशन जरूर दूर हो जाएगी। वसीम, आई नो बट इट इज जस्ट लेजीनेस। लेजीनेस सुस्ती को बोलते हैं। वो बोल रहा है आई नो, मैं जानता हूँ, बट लेकिन इट इज जस्ट लेजीनेस। ये सिर्फ यार सुस्ती की वजह से होता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता। सेम, आई ऑलवेज प्रेफर प्रेज। प्रेफर का मतलब होता है तरजीह देना। मैं हमेशा नमाजों को हर चीज से ऊपर तरजीह देता हूँ। आई ऑफर माई प्रेज में अपनी नमाजें अदा करता हूँ 5 टाइम्स अ डे। में 5 नमाजें, एक दिन में 5 नमाजें अदा करता हूँ। तो आप लोगों को पता है कि एक दिन में 5 नमाजें होती हैं। तो अब वो बता रहा है कि मैं एक दिन में 5, मैं अपनी पूरी 5 नमाजें रेगुलरली पढ़ता हूँ। इफ आई मिस माई प्रेयर, अगर मैं अपनी एक भी नमाज मिस कर देता हूँ, आई गेट डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है कि तंग हो जाना, आप किसी भी बात को समझ जा सके, ऐसे ही तकलीफ आपको स्टार्ट हो जाती है कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, तो आप डिस्टर्ब रह स्टार्ट कर देते हो। अगर आप एक नमाज नहीं, जब तक आप दूसरी नमाज नहीं, इवन ये है ना कि अगर आप एक नमाज मिस करते हो ना, तो बेशक आप जाके बाद में दूसरी नमाज पढ़ लेते हो, तीसरी, लेकिन आपके माइंड में यही चलता रहता है कि एक दिन में 5 नमाजें थी, मैंने वो एक को मिस कर दिया है। तो उस दिन में आपको थोड़ी सी हुआ है ना कि आपका सुकून गायब रहेगा कि मैंने मिस कर दिया। जो बंदा रेगुलर नमाज पढ़ता है ना, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर वो अगर कोई भी एक नमाज छोड़ दे ना, कोई बिजी होता है या ऐसा कोई मसला होता है, तो उसके लिए जो है ना बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है कि मैंने अपनी एक नमाज छोड़ दी। वसीम, दैट इज द गुड थिंग। ये बहुत अच्छी आदत है। आई विल आल्सो ट्राई। ये एक बहुत अच्छी आदत है, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी नमाज पढ़ूँ। सेम, यू मस्ट मेक अप योर माइंड टू ऑफर योर प्रेज। तुम्हें अपने माइंड को अपने माइंड में ये ख्याल रखना चाहिए, और अपने माइंड को इस तरफ रागिब करना चाहिए कि तुम अपनी नमाजें पढ़ो। इफ अ पर्सन शंस परहेज करता है, ही इज प्रेयर एक्सीडेंटली ऑन पर्पस। एक्सीडेंटली ऑन पर्पस जानबूझ के, अगर एक इंसान अपनी नमाजों को जानबूझ के छोड़ देता है, तो इट इज अ ग्रेट सिन। सिन गुना को बोलते हैं, कि ये एक बहुत बड़ा गुना है कि एक इंसान जानबूझ के अपनी तमाम नमाजों को छोड़ देता है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, जानबूझ के कभी नमाज नहीं छोड़नी है। गलती से वो छूट जाए, या कोई आपको मसला परेशानी हो, मतलब कोई आप बिजी हो, या आप कभी ट्रेवल कर रहे हो तो नहीं पढ़ सकते, तो वो नहीं है। लेकिन अगर आप जानबूझ के, आपके पास टाइम भी हो, सब कुछ हो, तो आप नमाज ना पढ़ो, तो वो आपको बहुत बड़ा गुनाह होता है, नमाज नहीं पढ़ते। वसीम, इफ समवन इज बिजी, अगर कोई मसरूफ है, एट प्रेयर टाइम देन, अगर कोई भी प्रेयर के टाइम बिजी है तो वो क्या कर सकता है। सेम, अब बताएगा कि बिजी है तो क्या करना चाहिए। ही शुड स्टॉप हिज बिजनेस एंड ऑफर हिज प्रेयर, कि उसे चाहिए कि वो अपना बिजनेस जो है ना बंद कर दे और अपनी नमाज को अदा करे। तो आजकल वैसे जो है ना, अगर आप किसी भी ऑफिस में काम करते हो, या स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हो, जहाँ पे भी आप होते हो ना, बाकी वो बिजनेस प्लेसेस जितनी भी होती है, तो वहाँ पे आजकल देखा जाए तो वहाँ पे आजकल नमाज की टाइमिंग के लिए आपको ब्रेक दी जाती है, और नमाज के लिए एक जगह भी उनने बनाई होती है। आप इजीली वहाँ पे जाके नमाज पढ़ सकते हो, आपको नमाज की ब्रेक भी मिलती है। जो लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं उनके लिए
होती है कि वो कंसेशन की होती है, उन्हें वो जाके नमाज पढ़ सकते हैं, उनको ब्रेक मिलती है, उनके लिए अच्छी जगह होती है, ये होता है। तो बाकी जो लोग कैसे लोकल बिजनेस करते हैं जिनकी शॉप्स होती है, जैसे लाइक शॉपकीपर वगैरह जो भी लोग होते हैं, अगर उनके पास जगह नहीं है तो वो अपने बिजनेस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, अपनी जो है ना दुकानें बंद करके मस्जिद में चले जाए नमाज पढ़ने के लिए। तो बाकी ये है कि आजकल ये बहुत अच्छा ट्रेंड बना हुआ है कि बहुत सारे बिजनेस जो लोग करते हैं जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, तो उन लोगों ने जो है ना किए होते हैं, अकेडमीज में भी आप देखे होते हैं उनके, स्कूल्स में भी, तो उन लोगों ने जगह बनाई होती है नमाज के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग की आसानी हो जाती है कि अगर आपके ऑफिस में ही जगह बनी हो नमाज पढ़ने की, तो आप इजीली नमाज अदा कर सकते हो। वैसे मस्जिद में जाके नमाज अदा कर लो उसका ज्यादा सवाब होता है, लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर आप काम कर रहे हो तो ठीक है, आप वहां पे भी आपको सवाब भी होगा, लेकिन सच्चे दिल से पढ़नी पड़े कि आपको नमाज। वसीम यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। अब वसीम सेम को बोल रहा है, तुम ठीक कह रहे हो। सेम When man offer his prayer, जब इंसान अपनी नमाजें अदा करता है, his life improve, उसकी लाइफ जो होती है इम्प्रूव होती है, उस पे चेंजिंग थोड़ी आती है। He lives neat and clean life, वो साफ सुथरी जिंदगी बसर करता है या गुजारता है। तो आपने देखा होगा कि नमाज के लिए सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक रूल है वो यही है कि नमाज के लिए आप जिधर जो इस जगह आप नमाज पढ़ो वो जगह आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, उसके अलावा आपके कपड़े साफ होने चाहिए। इस तरह से अगर जो बंदा रेगुलर नमाज पढ़ता है वो अपने नमाज पढ़ने की जगह का भी ख्याल रखता है और अपने कपड़ों को भी साफ सुथरा रखता है, इस तरह उसकी जिंदगी साफ सुथरी गुजरती है और अच्छे से उसकी जिंदगी गुजरती है। एवरीबॉडी रिस्पेक्ट हिम, और हर कोई इसकी जो है ना रिस्पेक्ट करता है। अब देखिए अगर आप जाके मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो जब आप जाते हैं तो जो लोग आपको देखते हैं नमाज पढ़ने के लिए ये बंदा जा रहा है, तो वो सोचते हैं कितना अच्छा बंदा है कि ये जाके मस्जिद में 5 टाइम की नमाज पढ़ता है। और अगर आप अभी यंग एज हो, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो यंग एज अगर बंदा हो ना, तो जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये उस बंदे का बेटा देखो कितना अच्छा है कि वो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ता है, या फिर वो कहता है कि ये अपने पापा के जैसा है कि वो भी 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं और ये भी पढ़ता है। और इसका एक बेनिफिट ये भी होता है, जब आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हो तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो आपको देख के वो भी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं मस्जिद में, और वो भी अपनी नमाजें स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मस्जिद में नहीं जा सकते तो घर में आप जरूर जो है ना वो नमाज पढ़े। और ये तो मैंने आपको मस्जिद का बताया कि मस्जिद में जब आप जाते हो कैसे रिस्पेक्ट होती है। तो आप अगर घर में नमाज पढ़ रहे हो तो जब कोई वैसे ही आपके घर ऐसी अचानक कोई आ जाएगा गेस्ट, तो अगर आप नमाज पढ़ रहे हो आपको पढ़ते हुए देखेगा कि कितना अच्छा बंदा है कि ये नमाज पढ़ता है। जाहिर सी बात है गेस्ट कोई सुबह के टाइम सहरी के टाइम तो नहीं आते, दिन के टाइम आते हैं, तो वो सोचेगी कि ये सुबह की भी नमाज पढ़ता है इसीलिए आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो लोग आपकी इज्जत करते हैं, और आपको देख के भी बहुत सारे लोग नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वसीम फ्रॉम टूडे, आज से आई विल ऑल्सो ऑफर माई प्रेयर्स 5 टाइम अ डे, आज से मैं भी अपनी नमाजें 5 वक्त अदा किया करूंगा। सेम दैट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। वी आर गेटिंग लेट, हम लेट हो रहे हैं, लेट्स गो एंड ऑफर अवर प्रेयर फर्स्ट, हम लेट हो रहे हैं तो चलो अब चलते हैं कि अपनी नमाज पहले पढ़ लेते हैं। वसीम लेट्स गो, ठीक है चले। पर अब ये जो है ना ये बहुत अच्छा आज का टॉपिक था, मुझे तो बहुत पसंद आया ये आज का टॉपिक। आप लोग अगर नमाज पढ़ते हैं तो अपने फ्रेंड के साथ ऐसी जो है ना इस तरह के इन्वायरमेंट की डिस्कशन जरूर कीजिएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज में इस डिस्कशन को कीजिएगा, ताकि अगर आप नमाज पढ़ते हो तो जो नहीं पढ़ता है तो उसको भी नमाज पढ़ने की आदत बन जाए, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आज से आप भी अपनी 5 वक्त की नमाजें स्टार्ट करें और दूसरों को भी जो है ना नमाज की तरफ रागिब करें। परफॉर्म दिस डायलॉग प्रैक्टिकली विद योर फ्रेंड, कोई भी जो आपका फ्रेंड है उसके साथ आप ये नमाज के बारे में जो है ना इस डायलॉग को, जैसे पहले आप डायलॉग को प्रैक्टिस करते थे ऐसे ही करनी है। तो ऐसे अगर आप जब ये डायलॉग की प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में देखना खुद बहुत आएगा कि वाकई मुझे नमाज पढ़नी चाहिए। जब इसको आप प्रैक्टिकली अपने फ्रेंड के साथ परफॉर्म करोगे तो मुझे यकीन है कि आप लोग 5 टाइम के नमाज पढ़ने के बंद हो जाओगे। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, तो आप उन्हें प्रैक्टिस करनी है जितनी आप कर सकते हो।
तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छे से आपको इंग्लिश आएगी। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।